राधे राधे आप सभी को, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा गुरुवार का व्रत था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो मैं हलवा खाती हूँ वो बना के दिखाऊं। तो उसके लिए चना ले लेंगे, चना दाल ले लेंगे, उसे धो लेंगे और एक घंटे दो घंटे के लिए भीगे रहने देंगे। जब भिगो लेंगे तो उसे अच्छे से पानी उसका हटा लेंगे। हमारा ये हो चुका है तो हम इसे पानी इसका निकाल दिया, अब इसे हम सुखाएंगे। तो सुखा लिया इसको अच्छी तरीके से तो निकालेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब ऐसा करेंगे, कढ़ाई लेंगे, गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम हो जाएगी तो इसमें चना दाल डालेंगे। चना दाल डालेंगे, डाल दिया हमने चना दाल। अब इसे अच्छे से सुखा लेंगे, इसका पानी जो होता है जो गीला गीला सा मॉइस्चर गीला गीला हो जाएगा ना, और मॉइस्चर वगैरह वो सारा सूख जाएगा। इसे अच्छे से हम सुखा लेंगे तो इसे अच्छे से भून लेंगे, जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा वो सूख जाएगा। जब तक ये हमारा भून रहा है तो हम एक तरफ दूध लेंगे, उसमें केसर डाल के भिगोने भीगने देंगे। जब चलो अब हम अपनी दाल की तरफ आ गए हैं, इसे अच्छे से भूजेंगे क्योंकि भूजना है इसे अच्छे से चलाते रहना वरना ये जल जाएगा। तो भूजना है इसे अच्छे से, तो भूज चुके लगभग भूज गए, हमने प्लेट में निकाल लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम दोबारा से कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे, एक चम्मच के आसपास घी डालेंगे और दाल को भूनेंगे ताकि वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। तो घी ले लिया, इसमें दाल डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा हल्का सा क्रिस्पी करेंगे ताकि वो पीसने में इजी हो जाए। तो हमारे दाल भुज गई है, हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे ग्राइंडर लेंगे, ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। तो हल्का ही पीसना है, ज़्यादा पतला पीसना नहीं है, हल्का मोटा ही रखना है, दरदरा सा। तो हमने पीस लिया, फिर कढ़ाई लेंगे, हमने दाल पीस लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें भुजी हुई दाल पीस लेंगे, जो पीसी हुई थी उसको अच्छे से भूजेंगे। तो भूजेंगे ताकि उस पर हल्का सा वो हो जाए। अब भूज लिया है इसमें, तो हम इसमें घी डालेंगे, ये दो तीन चम्मच के आसपास घी डालेंगे और फिर भूजेंगे इसे। तो हमने घी डाल दिए हैं, हम दो तीन चम्मच डालते रहेंगे घी इसमें अच्छी तरह से। तो घी डाल दिए हैं, अब इसे अच्छे से भूजेंगे, घी भूजेंगे। घी की खुशबू बहुत मस्त आती है, मत पूछो। तो घी डालेंगे इसमें, भूजेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा रेड हो जाए। तो भूजना है इसे अच्छे तरीके से, भूजेंगे अच्छे से। फिर कम पड़ रहा है तो घी डालेंगे दोबारा से, क्योंकि इकट्ठे घी नहीं डालना, धीरे धीरे ही डालना है। तो ये हमने इसे भूज लिया है, अब इसमें दूध डालेंगे। अप्रॉक्स आधा किलो के आसपास दूध डाला था हमने, तो दूध डाला है इसमें, अच्छे से अब्जॉर्ब कराएंगे इसके अंदर। तो इसलिए इसे भूजना है अच्छे से। तो डाले हमने, अच्छे से भूजेंगे। ये देखो ये बबल्स इसमें आते हैं, ये फूटते हैं, तो ये थोड़ा दूर रहना क्योंकि ये फिर हम जो केसर वाला दूध डाला था ये डालेंगे इसमें, हलवे में डालेंगे। दाम भी लो टू हाई पे ही बताएंगे क्योंकि ये चिपकते हैं थोड़े से। इसे अच्छे से फिर से पकाएंगे, अब जोर बोने देगा, ऑब्जर्व होते रहेंगे ये अच्छे से। तो घुमाना है इसे अच्छे से, इसमें घी ज़्यादा लगता है हलवे में, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से। अब ये हो चुका है तो हम चीनी डालेंगे इसमें, तो जितना भी दूध का सारा वो ऑब्जर्व हो चुका था, अब चीनी डालेंगे। तो चीनी डालेंगे तो वो बिखरेगा, तो पिघल गया है देखो कितना, फिर से ये बैटर पतला हो गया है। तो फिर अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जैसे बादाम, किशमिश, इलायची, काजू भी डालेंगे,
तो आपके पास जो हो वो डालें, अच्छे से भूजेंगे इसे, फिर इसे अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा ये हलवा जैसा हो जाए क्योंकि ये अभी बैटर पतला है, तो अच्छे से करेंगे, घुमाएंगे, इसे अब्सॉर्ब कराएंगे और इसे चलाते रहना। ये देखिए घी छूटने लग गया है, तो हमारा हलवा तैयार है। तो आप लोग भी ट्राई करें कितना मस्त बना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।